हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी गेमिंग पे। आज हम गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं गूगल पिक्सल 3 एक्सएल का। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिवाइस के अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, साथ में एंड्रॉइड पाए मिलता है और उसके साथ 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी। अब अगर हम इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखें तो वो है 269,000। अब हम देखते हैं कि इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी आती है। इस समय हमारी बैटरी परसेंटेज 100% पर है और डिवाइस का अगर हम टेम्परेचर लें तो वो है 26.5 डिग्री। तो आइए अपनी गेमिंग रिव्यू को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खेलेंगे इसके अंदर एस्फाल्ट 8 और उसके बाद आपकी फेवरेट पबजी। सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं डिवाइस का डिस्प्ले बहुत अच्छा है, OLED डिस्प्ले है QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन जो इसकी नॉच आपको दिख रही होगी साइड में, बहुत ही मन खराब हो रहा है इसको देख के। मतलब नॉच की साइड की जो जगह है ना, वो एक्चुअल में आसपास वाली भी, वो भी आप देख सकते हैं गेम में यूज नहीं हो रही है। गेम की सारी चीजें इस तरफ करी हुई है एंड दैट इज गोइंग ब्लैंक। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मतलब मेरे को इस गेम में, आप देख सकते हैं गेम कितने अच्छे से चल रही है, कितने मजे से हम इस गेम को खेल पा रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है डिवाइस की, डिस्प्ले अच्छा लग रहा है डिवाइस का, लेकिन नॉच की वजह से ना ऐसे मन में ना दुख हो रहा है मुझे। क्यों डाली नॉच? नीचे बीजल है, ऊपर बड़ी सी नॉच दी हुई है, क्यों डाली, क्यों? चलो छोड़ो, मैं अपनी गेम खेलती हूँ, मेरी गेम खराब कर देगी ये नॉच। आप देख सकते हैं ये गेम हमने बहुत ही आराम से खेल ली। और डिवाइस का टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर आया 35.3 डिग्री। अब हम इसमें पबजी खेलेंगे, देखेंगे पबजी को हाई सेटिंग पे खेलेंगे कि क्या दिक्कत आती है। पबजी को हम हाई सेटिंग पे खेलेंगे, आप देख सकते हैं हाई पे ही रिकमेंडेड है और गेम के ग्राफिक्स को भी मैं HDR पे कर रही हूँ, इससे ऊपर हमारे पास नहीं है। ये हम आ गए पैराशूट से नीचे, फटाफट से गन लें, फटाफट से किलिंग किलिंग करें। गेम की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आ रही है, कहीं पे भी लैगिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और हमारी बहुत स्मूथली चल रही है गेम। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं नॉच वाली जगह को पूरा ब्लैंक कर दिया गया है। एस्फाल्ट में तो बहुत बुरा लग रहा था, इसमें तो चलो ध्यान नहीं जा रहा इतना क्योंकि गेम ने ही वहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया है। अभी ये डिवाइस का टेम्परेचर पहली गेम के बाद लगभग 9 डिग्री राइज हो गया था, लेकिन फील नहीं हो रहा, जबकि जैसे ग्लास बॉडी के अंदर तो फील होता है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में फील नहीं हो रहा। काफ़ी आराम से मैं खेल पा रही हूँ गेम को। और ये आखिरी बंदा रह गया है, आ रहा है मेरे पास ही आ रहा है। और ये हम गेम जीत गए, मैं फर्स्ट आ गई। बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं हमारी 87% पर है और इस समय अगर हम इसका टेम्परेचर लें तो वो है 35.5 डिग्री। टोटल 9 डिग्री टेम्परेचर हमारा राइज किया है और 13% बैटरी लगी है 40 मिनट की गेमिंग में। तो परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल का डिवाइस है। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।